ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे और बड़े सोशली डिफरेंट होते हैं. वो स्ट्रगल करते हैं सोशल कम्युनिकेशन के साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ, और इसीलिए उनके बिहेवियर बाकी लोगों की बनिस्बत मुख्तलिफ होते हैं. पाकिस्तान में ऑटिज़म का जो प्रेविलेंस है वो 2020 के मुताबिक तकरीबन 3.5 लाख बच्चे इस वक्त ऑटिज़म का शिकार हैं. जब बच्चे स्ट्रगल करते हैं तो फिर स्कूलिंग में इशू आता है, फ्रेंडशिप्स में इशू आता है, घरों में रिलेटिव्स के साथ, शादियों पे, तो पेरेंट्स की लाइफ बहुत लिमिटेड हो जाती है. एक तो हमारा फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि अभी बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाना, अभी बहुत छोटा है, ठीक हो जाएगा. फिर हमारा जो थोड़ा पीरी फकीरी वाला सिस्टम है उसमें हम बहुत वक्त ज़ाया कर देते हैं और बच्चे का डायग्नोसिस लेट हो जाता है. पेरेंट्स को एहसास तब होता है जो पेरेंट्स स्कूल लेके जाते हैं और बच्चा बात नहीं कर रहा या बाकी बच्चों से मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है, तो टीचर्स जब पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं या फिर एडमिशन रिफ्यूज़ कर देते हैं ऐसे बच्चों का, तो पेरेंट्स फिर हमारे पास ऐसे बच्चों को लेकर आते हैं. ऑटिज़म की तशखीस इसलिए बरवक्त बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को और बड़ों को भी सही टाइम पे हेल्प मिल जाए, उनकी स्कूलिंग लेट ना हो, वो बातचीत करना शुरू कर दें और इस माशरे का हिस्सा बन सकें. इसीलिए हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें डायग्नोसिस, असेसमेंट, साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज शामिल हैं. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में हमारे पास स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो तो वो मैसर है. ऑटिज़म के साथ जो बच्चे होते हैं उनको अमूमन सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स आती होती हैं. एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा काम है उनके इन स्किल्स को बिल्ड करना और उनकी इन चीज़ों में मदद करना. सोशल स्किल्स में एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना आ जाता है. ऑटिज़म के बच्चों को अक्सर क्लासरूम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं चीज़ें सीखने में, चीज़ें समझने में. मैं डिटेल्ड स्कूल प्लान्स बना कर देती होती हूँ जो उनको उनकी एकेडमिक लर्निंग में, एकेडमिक स्किल्स बिल्ड करने में मदद देता हूँ. ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज़म के इलाज में अहम किरदार अदा करती है. सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से बच्चे या तो नॉर्मल से कम महसूस करते हैं या ज़्यादा करते हैं. इन बच्चों की स्लीप भी डिस्टर्ब होती है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हेयर कट में मसाइल होते हैं, नेल ट्रिमिंग नहीं करते और आई कांटेक्ट और फोकस नहीं कर रहे होते हैं. सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से ना सिर्फ हम इनके सेंसरी मसाइल को नॉर्मलाइज करते हैं बल्कि उनको रेगुलेट भी करते हैं. इनके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पे इसका बहुत अच्छा असर होता है. इस थेरेपी से ना सिर्फ आई कांटेक्ट और उनकी सिटिंग स्पैन अच्छी हो जाती है बल्कि ये बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी रोज़मर्रा के कामकाज और स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ऑटिज़म के बच्चों में कम्युनिकेशन के मसाइल को बेहतर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है जिसके अंदर ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है. जैसे ऑटिज़म के बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन को दूसरों तक डिलीवर करने के लिए डिफरेंट वे सिखाई जाती हैं जिसमें पॉइंटिंग सिखाई जाती है बच्चों को पिक्चर कम्युनिकेशन सिखाई जाती है बच्चों को, जिससे सिखाई जाती है ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को दूसरों तक कन्वे कर सकें. ऑटिज़म में बच्चों के कुछ बिहेवियर इशूज़ आते हैं जिनको टैकल करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ को देखें तो उसमें आई कांटेक्ट का ना होना, जैसे बच्चे नज़र उठा के बिल्कुल भी नहीं बातचीत करते हैं, उनका रिस्पांस टू नेम ना होना, जब जब हम उनको बुलाते हैं मुड़ के हमें रिस्पांस नहीं करते हैं उस पर, उनका सोशल विड्रॉल होना, मेल जोल में कमी होना. बिहेवियर थेरेपिस्ट का ऑटिज़म की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान के थ्रू करते हैं जिसमें हर बच्चे का अलहदा से प्लान डिवेलप होता है. उसकी बेसलाइंस डेवलप की जाती हैं, उसके स्कोर्स लिए जाते हैं, उसके मुताबिक उसका प्लान डेवलप किया जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है. उसके बाद उसके जो सेशंस हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं, उसमें बच्चे के बिहेवियर्स पे काम होता है और जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होते हैं उनके आउटकम पे काम होता है. अगर एक बच्चा जो कि जिसकी बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी और डिफरेंट थेरेपीज हो रही हैं लेकिन उसमें या तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही या उसमें जो है ख़राबी आ रही है, तो ऐसे बच्चों को न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना नहायत ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम मुख्तलिफ फिर हम टेस्ट करते हैं और तशखीस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस एक ऐसा प्लान बना सकें जो कि उसकी बीमारी को बेहतर करने में मदद दे सकें. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कामयाब मैनेजमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन,
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ कॉन्टीन्यूस थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इस चीज़ को बखूबी समझती है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिफरेंट केयर पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शिफा ऑटिज़म क्लिनिक में हम सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे फराहम करते हैं, जिसमें हमारे पास साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज और पीडियाट्रिशियंस मौजूद हैं। पीडियाट्रिशियंस की हमारे पास एक बहुत टैलेंटेड टीम मौजूद है, जिसमें हमारे पास पीड न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, ताकि हम कोई भी बच्चे की तशखीस में कोई भी कोताही ना बरतें और इस तरह से बच्चे को हर तरह की ज़रूरत उसकी एक ही छत के नीचे फराहम की जा सके।